अजीत पवार ने शनिवार को बारामती में शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के साथ जुड़ने और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत पवार का बारामती का यह पहला दौरा था। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका जोरों शोरों के साथ स्वागत किया। असम के सिलचर में भाजपा सांसद राजदीप रॉय के घर में शनिवार शाम को एक 10 वर्षीय बच्चे का शव लटका हुआ मिला। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेज दिया गया है। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज परशपुर 2, जिसमें शर्लिन एक महारानी के किरदार में नजर आ रही है। इस वेब सीरीज में सीजन 2 में महारानी स्नेहलता की भूमिका में दिखने वाली शर्लिन ने अपने इस किरदार को लेकर बात की है। एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड आउटफिट के लिए लगातार मिल रही आलोचना के बारे में बात करते हुए कहा कि परशपुर 2 में उनकी भूमिका ने उन्हें सशक्त महसूस कराया है। पाकिस्तान पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए कई प्रतिबंधित संगठनों के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। ये पाकिस्तान में कई स्थलों को बम से उड़ाने की योजना बना रहे थे। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय को सेमीफाइनल में कुनलावत वितिसान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वह इतिहास रचने में चूक गए, लेकिन हार कर भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे।